नगर निगम हेरिटेज के कार्यवाहक मेयर कुसुम यादव जी हमारे साथ मौजूद है। मैम, नई चुनौतियां हैं और समय आपको बहुत कम मिला है, किस प्रकार से देखिए चुनौती तो हर कार्य में जो आप काम करने की सोचते हैं, अच्छा कार्य करने की सोचते हैं, उसमें आपको चुनौतियां मिलती है, लेकिन मैं सभी चुनौतियों के लिए तैयार हूं। सभी लोग मेरे साथ हैं और नगर निगम की जो भी व्यवस्थाएं हैं उसे मैं कोशिश करूंगी कि दीपावली से पहले दुरुस्त करके जितने भी जनता से जुड़े काम है, भले वह सफाई का हो, लाइट का हो, सीवर का हो या रोड का हो, मैं जल्द से जल्द पूरा कराने की कोशिश करूंगी। मैम, अतिवृष्टि से राजस्थान की मरुभूमि ने देखी है वो, और सबसे बड़ी जो समस्या है वो कहीं कहीं अभी भी जल भराव देखा जा रहा है, सड़कें बहुत ज्यादा खराब है। देखिए इस बार भगवान की हम पर कृपा रही है कि बहुत अच्छी बरसात हुई है, बहुत अच्छी बारिश हुई है, उसका हमें बहुत फायदा मिला है। तो कुछ जैसे रोड टूट गई है या कुछ भी है, तो हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जो गड्ढे हुए हैं सड़कों पे उनको भरा जाए। वो ही हमारी प्रक्रिया, अभी मैंने कल मीटिंग ली थी स्वच्छता से संबंधित, अब मैं एक दो दिन में सभी की मीटिंग्स लेके सबको टारगेट देने वाली हूं कि इतने समय में हमारा ये दीपावली से पहले हमारा शहर स्वच्छ हो और गड्ढा मुक्त हो। पट्टों का भी काफी एक प्रकरण चल रहा है, कई सारे पुराने पट्टे अभी बाकी हैं। बहुत सारे पट्टे पेंडिंग हैं, ये सही कह रहे हैं आप। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी पट्टों का निस्तारण करें। मैं माननीय मंत्री जी से सलाह करके अब जल्दी ही ये काम भी शुरू करने वाली हूं कि हम पट्टा वितरण कर सकें। ये थे हमारे साथ कुसुम यादव जी, और इनका साफ तौर पर कहना है कि भले ही समय कम मिला हो, लेकिन इस चुनौती को भी ये बखूबी निपटेंगे और राजधानी जयपुर के हेरिटेज निगम के अंदर जो भी समस्याएं हैं, भले ही वो जल भराव की हो, सड़कों की हो, बिजली की हो, जो भी कुछ भी समस्या है जिससे वार्डवासी या फिर हेरिटेज में जितने भी लोग रह रहे हैं वो जूझ रहे हैं, उन तमाम समस्याओं को दिवाली से पहले पहले ये जरूर हल करने की कोशिश करेंगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।